top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. का तो कर्तव्य है ही, लेकिन समाज के लोग हमारे शहरियों में भी कर्तव्य है। जो जागरूक नागरिक हमारे हैं उनको चाहिए प्रोटेस्ट करें, ये पिकेटिंग करें, सत्याग्रह करें, डेमोन्स्ट्रेशन करें और उन मारेगों के खिलाफ कार्रवाई करवाएं। सरकार तो हमारा भी कर्तव्य कम नहीं है। इज प्राइड ऑफ द नेशन, एवरी इंडियन वेरी प्राउड ऑफ हिम। हमारी नागरिकों की है, दोनों आगे बढ़े, दोनों अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, सफल हो जाएगा। आपने शिक्षा का अधिकार अनिवार्य भी आप हासिल नहीं कर पाए। मैंने अपने मौका मिल जाए एक दिन के लिए, भारत के सरकार का अधिकार मिल जाए, वो मिलने वाली तो नहीं है। मेरी इच्छा है बच्चों की पब्लिक स्कूल्स में। मैंने आपसे कहा ना कि 5% लोग ही आते हैं बच्चे, आगे 95% आबादी वहां इंटर नहीं कर सकती, वो हिम्मत नहीं कर सकती इंटर होने की प्रेमिस में आगे की। क्या क्या फैलाव है इसे सिस्टम का? अगर सर आपको इसका मतलब ये उल्टा समझिए, जो गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं उनका स्तर इतना ऊंचा किया जाए कि वो बराबर किया जाए, मतलब हर आदमी को तो ट्रीटमेंट पहले हर आदमी को शिक्षा में उतर आए और इन खराबियों के खिलाफ संघर्ष शुरू करें और अपने नेताओं के आदर्शों को याद करें और एक ऐसे भारतीय बने जिन पर राष्ट्र गौरव कर सके। मैं क्या अधिकार है ऐसे लोगों को जो मेरिट दिया जाए नाली के अंदर, कूड़े के अंदर, और पैसे की बुनियाद पर बड़े लोग आके एडमिशन देने लगे? उस सिस्टम को बदलना चाहिए, उस सिस्टम को खत्म होना चाहिए। किसी भी खुददार जमहूरी प्रजातांत्रिक देश में, आजाद मुल्क में अगर ये सिस्टम जारी रहा तो उसके खिलाफ जनता इंकलाब कराएगी, एक दिन आवाम इंकलाब लाएंगे वो, और वो कार्य जला दिए जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं वो कार्यों की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी बहुत दिन तक, उन कार्यों को और उन हॉस्पिटल को। इट शुड बी द प्राइमरी कंसल्टेशन एंड एडमिशन ऑन द कॉलेजेस, वट एवर माइट बी, प्रोफेशनल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरिट शुड बी द सोल क्राइटेरिया, उसके बाद बाकी काम होना चाहिए। ये आपने जो बातें कही है, भगवान करे ये बातें सच हो, सभी बातें करते हैं ऐसी, जाता हूं बहुत से कॉलेजों में।
आश्रमों में पाठशालाओं में, और उन्होंने जो सेवा की है, जो विद्वान पैदा किए हैं, जो फिलॉसफर पैदा किए हैं, नीलम,